एक मेरा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर किसान भाई के मन में आता है, जैसे कि ये सोलर पैनल ऑपरेटेड है तो कई बार क्या होता है सर, बरसात के दिन हो गए, ठंडी के दिन हो गए, उस दिन धूप नहीं निकलती दो दो तीन तीन चार चार दिन, तो उसके लिए क्या कैसी चीजें इसमें काम करती हैं? ये सवाल आपने बहुत बढ़िया किया है जी। अब क्या है, जो ये मशीन है इनको मिनिमम ₹100 से स्टार्ट हो जाता है वायर, ₹1200 में 10 किलो, अच्छा इसका मिनिमम बंडल ₹120 किलो, मतलब ₹120 किलो से लेके तो ₹150 किलो तक। जी जी, ये जो हमारे पास अभी क्वालिटी रखी है जी, ये ₹150 किलो वाली क्वालिटी मशीनों का भी, जैसे कोई छोटा किसान है उसके लिए क्या, तो उसके लिए छोटी मशीन ये वाली मशीन आती है ₹3000 की जी, 8 किलोवाट की। उसके बाद ये AC DC मशीन किसी के यहाँ 24 घंटे की लाइट है या 10 घंटे की लाइट है, उसको हम 10 घंटे की लाइट में सोलर पैनल ना ले और चार्ज भी कर ले जी, तो उसके लिए ये मशीन आती है, ये ₹4000 की मशीन आती है। अच्छा, और सारी मशीनों में वारंटी मिलने वाली है जी, और सर्विस मशीन की कीमत है ₹4000 जी जी, और इसका पूरा जो सेट आता है जी, इसका पूरा सेट मतलब बैटरी आ गई जी, मशीन आ गई जी, और सोलर जी, ये तीन का एक सेट बनता है। अच्छा, अब सोलर इसमें है 60 वाट का, मशीन है 18 किलोवाट का, और बैटरी एक साइड का 35 एम्पीयर का। ठीक है, तो दोस्तों हम आए हुए थे इंदौर में किसान मेले के अंदर, जहां पर भारत एग्री एक्सपो इंडिया की तरफ से जो है एग्जीबिशन लगा हुआ है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू एज सोलर फेंस गार्ड सिस्टम जो है कंपनी की तरफ से यहाँ पर भैया फेसिंग सिस्टम वाला पूरा जो डेमो वगैरह रखा है, प्रोजेक्ट पूरा रखा हुआ है, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि अपने आसपास नीलगाय वगैरह हो गए, जंगली सुअर हो गए, भेड़ हो गए, गाय भैंस अन्य तरह के बहुत सारे जीव जंतुओं से परेशान रहते हैं, तो किसानों की जो फसलों की सुरक्षा है वो किस तरीके से हो सकती है और कम से कम खर्चे पे, पूरी जानकारी लेंगे, मिलते हैं सर से। नमस्कार सर, एक छोटा सा सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाए सर। मेरा नाम दीपक पाटीदार है, मैं यही इंदौर का रहने वाला हूँ, और मैंने आज यहाँ कृषि मेले में जी झटका मशीन की स्टॉल लगाई हुई है, नया प्रोडक्ट है गैर किसानों के लिए, उसकी जानकारी भैया हमसे पूछेंगे और हम जानकारी बताएंगे। अच्छा सर, जैसे कि ये अपना झटका सिस्टम वगैरह जैसे कि आपने डेमो लगा के रखा हुआ है, तो खेत वगैरह भी में जो है इसी तरीके से लगता है या कैसा प्लांट होता है? ये जो डेमो लगा हुआ है सेम एज इट इज खेतों में ऐसे ही लगता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, हमने इसको एंगल पे लगा के रखा है। बिल्कुल, बहुत सारे किसानों के पास क्या है कि बांस के पोल होते हैं तो बांस पे भी लग जाता है, ये सीमेंट के पोल होते हैं सीमेंट के पोल पे भी लग जाता है। अच्छा, एनी हाउ किसी भी कंडीशन हो सब पे लग जाएगा जी, मतलब इसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। अच्छा सर, इसमें जैसे कि आपने ये लगा के रखा है, ये ठीक है, कई बारी क्या होता है हमारे खेतों के पास जीव जंतु पशु तो है ही, कई केस में ऐसा होता है कि हमारे बच्चे वगैरह, किसान के बच्चे वगैरह भी जो है खेत वगैरह जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने मशीन को डिजाइन किया हुआ है जी। क्या है कि इसका जो झटका है, इसका गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है 18 kV तक का झटका। अच्छा, आप मशीन बना सकते हो जी, तो ये मशीन जो है 18 kV की है। अच्छा, इसका इतना झटका इतना बहुत तेज है जी जी, पर इससे नुकसान किसी को भी नहीं होता है जी, ना किसी जीव जंतु को होता है, ये 5 साल का बच्चा भी इसको पकड़ लेगा। अच्छा, तो भी सिर्फ झटका ही लगेगा जी, कोई जान की हानि नहीं होती है, तो एकदम बढ़िया है ये, कोई दिक्कत नहीं है इससे, सेफ। अच्छा, है एकदम। ठीक है सर। हाँ। अब सर कई बार क्या होता है, खेतों में कई तरह के जीव जंतु होते हैं, कोई जीव जंतु छोटे होते हैं, कई जीव जंतु बड़े होते हैं, तो उसके लिए किस तरह से हम किसानों भाइयों के लिए जो है फेसिंग करनी चाहिए? जैसे लगभग किसानों को समस्या आ रही है घोड़ा रोज की जी, घोड़ा रोज और सुअर। बिल्कुल, घोड़ा रोज और सुअर की बहुत सारी समस्या आ रही है जी, तो उसके लिए स्पेशल मशीन डिजाइन करी हुई है 18 kV। अच्छा, बाकी जैसे किसी के खेतों में या फिर घरों पे बंदर मंकी परेशान करते हैं, मंकी के लिए ये वाली मशीन है 8 kV। अच्छा, ये छोटी मशीन है, इसका झटका भी कम है। अच्छा, तो ये क्या है, मंकी के लिए है जी, जैसे बकरे बकरी परेशान करते, किसी के यहाँ कुत्ते परेशान करते, उसके लिए छोटी मशीन है। अच्छा, और घोड़ा रोज के लिए ये वाली बड़ी मशीन आती है। अच्छा, हाँ, दोनों मशीन इनमें कॉस्ट का थोड़ा सा अंतर है, बाकी रिजल्ट बहुत बेहतर मिलता है इसका। अच्छा, जैसे सर मान के चलो कि ये जैसे हमारी फेसिंग हमारे किसान भाइयों ने करा के रखी हुई है, कई बार ऐसा होता है कि कोई पशु नीलगाय या कोई भी पशु है अन्य नेसेसरीज, तो वो इसके संपर्क में आता है, तो किसान को उसका किस तरह से पता चलेगा कि ये झटका लगा? जैसे ये अपन ने झटका मशीन ऑन करी जी जी, ये झटका मशीन ऑन हो गई, ये झटका ऑन हो गया। अच्छा, ये फॉल्टिंग चालू हो गई, मान लो अभी यहाँ पे नीलगाय आई है, ये फॉल्ट हो रहा है जी, ये नीलगाय जी, इसमें इस प्रकार से एक सायरन बजता है जी, ये जो सायरन है
ये फॉल्ट होने पर ही बचता है। अच्छा, अभी फॉल्ट हो रही है मतलब बज रहा है, मतलब नीलगाय आई है, मतलब कोई ना कोई जंतु जो है इसके संपर्क में आया है, इसके संपर्क उसके बाजू उसके संपर्क में आने से जो है ये जो बीपिंग है वो ऑन हो जाती है सर। तो यहाँ पर जो है सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने बनाया हुआ है। अच्छा सर, इसको जैसे हमारे किसान भाई कम से कम और अधिकतम कितने एकड़ तक के खेत में इसको लगा सकते हैं? जो हाईएस्ट रेंज है जैसे 18 KV है अपना सबसे ऊंचा वाला प्रोडक्ट जी। अब इसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो है अपनी 200 बीघा। अच्छा, मतलब अच्छा। एकड़ में देखें तो 90 एकड़। जी जी, 90 एकड़ का एरिया कवर करता है ये जी। हाँ बिल्कुल, मतलब एक मशीन के साथ जो है हम इसे 90 एकड़ तक में लगा सकते हैं। 90 एकड़ तक में लगा सकते हैं। मतलब मशीन की यदि अपन कीमत की बात करें जैसे, तो मशीन की क्या कैसी मशीन कीमत मशीन की है? केवल मशीन की कीमत है 4000 रुपए। जी जी, और इसका पूरा जो सेट आता है जी, इसका पूरा सेट मतलब बैटरी आ गई जी, मशीन आ गई जी, और सोलर जी, ये तीन का एक सेट बनता है। अच्छा, अब सोलर इसमें है 60 वाट का, मशीन है 18 किलोवाट का, और बैटरी एक साइड का 35 एम्पीयर का। ठीक है, इसका पूरा सेट आता 9500 का। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसान को कोई को 10 एकड़ में लगाना है, कोई को 20 में लगाना है। बिल्कुल, तो वायर उसके हिसाब से अपन इंक्लूड करते हैं। मतलब मशीन जो पड़ने वाली है अपनी वो 9500 रुपए की पड़ने वाली है। अब डिलीवरी, हाँ डिलीवरी आप ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी के साथ 9500 की, डिलीवरी के साथ मतलब 9500 रुपए की कंप्लीट पैकेज मशीन पड़ेगी विदाउट फेसिंग तार। हाँ है ना, अब ये तो हो गई इसका कॉस्ट जी, है ना। अब इसमें छोटी मशीनों का भी, जैसे कोई छोटा किसान है उसके लिए क्या, तो उसके लिए छोटी मशीन ये वाली मशीन आती है 3000 रुपए की जी, 8 किलोवाट की। हाँ हाँ। उसके बाद ये एसी डीसी मशीन किसी के यहाँ 24 घंटे की लाइट है। हाँ हाँ। या 10 घंटे की लाइट है कि उसको हम 10 घंटे की लाइट में सोलर पैनल ना ले और चार्ज भी कर ले जी। तो उसके लिए ये मशीन आती है, ये 4000 रुपए की मशीन आती है। अच्छा, और सारी मशीनों में वारंटी मिलने वाली है जी, और सर्विस भी बढ़िया मिलने वाली है। वारंटी कितने दिन की भाई साहब? 1 ईयर वारंटी मिलेगी भाई साहब जी, मतलब 1 साल तक की जो है वारंटी आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट में जो उपलब्ध करा के देती है। सेंटर है हमारा मई से, आपको वारंटी भी कवर होगी जी, सर्विस पूरी इंदौर से मिल जाएगी। बिल्कुल, अब जैसे 9500 रुपए की जो किसान भाइयों हमारी मशीन है, इस 9500 रुपए की मशीन की जो अधिकतम कवरिंग रेंज होती है वो होती है 90 एकड़ तक की। आप उसे चाहे 1 एकड़ में लगाएं और चाहे 90 एकड़ में लगाएं, मशीन की जो कॉस्टिंग आने वाली है वो 9500 रुपए कंप्लीट सेटअप के साथ आने वाली है। अब बात करें सर हमारा तार फेसिंग वगैरह की, तो ये स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है या एकड़ के हिसाब से चलता है या किलो के हिसाब से चलता है सर? जो है ये किलो के हिसाब से चलता है। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट रहती है जी वो 1200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है वायर, 1200 रुपए में 10 किलो। अच्छा, इसका मिनिमम बंडल 120 रुपए किलो, मतलब 120 रुपए किलो से लेके तो 150 रुपए किलो तक जी जी। ये जो हमारे पास अभी क्वालिटी रखी है जी, ये 150 रुपए किलो वाली क्वालिटी है। अच्छा, ये इसमें SS की मात्रा ज्यादा है जी, प्लस वायर पूरा फ्रेश निकलता है जी। हाँ, ये वायर आता है पूरा 1500 रुपए का, 3000 फिट वायर जी। अब किसान की डिमांड के ऊपर है कि उसको कितना वायर लग रहा है। अच्छा सर, जैसे यदि अपन बात करें हाइट वगैरह की, जैसे हम खेतों में फेसिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, तो मिनिमम कितने कितने फिट के डिस्टेंसिंग में हमको फेसिंग करनी चाहिए? जानवर के ऊपर है, मान लो किसी के यहाँ सुअर और घोड़ा रोज, मतलब बड़े जानवर और छोटे जानवर दोनों परेशान कर रहे हैं जी, तो 2 तार की बाउंड्री कर दो जी, 1 तार की बाउंड्री जमीन से 1 फीट पे, दूसरे तार की बाउंड्री जमीन से 3.5 फीट पे। अच्छा, दोनों छोटे और बड़े जानवर दोनों कवर हो जाते हैं। बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों तार को टच करेगा जानवर तो ही झटका लगेगा। अच्छा, 1 तार में भी अगर जानवर टच हुआ तो भी झटका लगेगा। अच्छा, मतलब सिर्फ 2 तार में सारे जानवर रुक जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे किसान करते क्या है, उनको दुकानदार गलत राय दे देते हैं। बिल्कुल, कि 4 तार की बाउंड्री कर दो, 5 की कर दो, उसमें क्या है, एक तो मेहनत भी ज्यादा लगती है जी, प्लस खर्चा भी ज्यादा आता है। 2 तार की बाउंड्री करो और बड़ी मशीन लो जी, तो आपको यू ऑटोमेटिक रिजल्ट बाहर आएगा। बहुत बढ़िया। अब सर जैसे कि आपने फेसिंग वगैरह बता दी, सारी जानकारी आपने दे दी, इसकी गारंटी वारंटी जैसे आपने बताई, तो उसकी सर्विस प्रोवाइड वगैरह आप कैसे करते हैं? सर्विस प्रोवाइड हम ट्रांसपोर्टेशन द्वारा करते हैं। मान लो लोकल का है कोई, लोकल में 40-50 किलोमीटर का एरिया है जी, तो वो तो हमारे ऑफिस गोडाउन पे आ ही जाता है। बिल्कुल। और मान लो कोई जैसे हमारा माल बाहर जाता है, रीवा सतना कटनी नरसिंहगढ़ यूपी जाता है, हमारा राजस्थान जाता है, मतलब बाहर जाता है माल जी, तो जी उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन द्वारा, उसमें 1 दिन का समय लगता है, सामने वाला उधर से मशीन बस में रख देता है या फिर कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर देता है जी, हम मशीन को देख के उसका सॉल्यूशन करके जी, अगले दिन जी, मशीन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। मतलब दोस्तों सर्विस जो है आपको होम सर्विस आपको मिलने वाली है, किसी भी तरह की आपको दिक्कत या समस्या नहीं जाने वाली। अब ये एक मेरा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर किसान भाई के मन में आता है, जैसे कि ये सोलर पैनल ऑपरेटेड है, तो कई बार क्या होता है सर, बरसात के दिन हो गए, ठंडी के दिन हो गए, उस दिन धूप नहीं निकलती 2-2, 3-3, 4-4 दिन, तो उसके लिए क्या कैसी चीजें इसमें काम करती हैं? सवाल आपने बहुत बढ़िया किया जी। अब क्या है, जो ये मशीन है इनको मिनिमम मैक्सिमम जो वोल्टेज चाहिए वो 40 वाट का चाहिए। अच्छा,
अब होता क्या है, अभी तो मशीन गर्मी के मौसम में 40 सोलर पैनल 40 वाट करंट निकाल रही है, बड़े आराम से बढ़िया निकाल रही है, धूप गिर रही है बढ़िया जी। अब बारिश के मौसम में धूप तो खत्म हो जाती है, बिल्कुल सर, धुंधल गिर रही है, छांव हो रही है, बिल्कुल। तो क्या है, हमने क्या किया, 40 वाट की जगह पे 60 वाट का पैनल लगा दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ रहा है, 500 रुपए का अंतर आ रहा है 40 वाट और 60 वाट में। अच्छा, बाकी परेशानी इसमें बिल्कुल नहीं आएगी जी। अब क्या होता है, मौसम खराब रहेगा तो ये वाली जो पैनल है जी, ये मिनिमम 40 वाट करंट तो कहीं से भी गिरी से गिरी हालत में निकाल देगी। बहुत बढ़िया, तो अपनी मशीन को जितना चाहिए उतना तो वो निकाल ही रही है जी, जी। तो वहाँ पे अपना काम हो जाता है, उसमें कोई बैटरी डिस्चार्ज होने का काम नहीं होता। अच्छा, और बैटरी की यदि हम चार्जिंग वगैरह की बात करें तो कितने घंटे में जो है बैटरी चार्ज हो जाती है, बैटरी का जो बैकअप होता है जी, जैसे अपनी ये 1235 की बैटरी है, एक साइड की ओरिजिनल बैटरी है, बिल्कुल सर, ये है लोकल बैटरी जी, जी। दोनों में प्राइस का भी अंतर है जी। अभी जो मैंने आपको जैसे 9:30 बताया उसके साथ में एक साइड की बैटरी आ रही है जी, जी, है ना। अब इस वाली जो बैटरी है इसका 24 घंटे का बैकअप है। अच्छा, 24 घंटे तक आप इसको एक जैसे ही चला लो, ठीक है। और ये वाली जो बैटरी इसका 15 घंटे का बैकअप है, ठीक। अब होता क्या है, 12 घंटे में वापस सुबह हो जाती है, बिल्कुल, पैनल वर्क करना चालू कर देता है जी, जी। तो वो अपने को परेशानी वहाँ कहीं भी नहीं आती। अच्छा, इसमें चार्जिंग जो समय लगता है वो कितना समय लग जाता है? ये 6-7 घंटे में पैनल से चार्ज हो जाता है। अच्छा, मतलब 6-7 घंटे की जो धूप निकली उसके बाद जो है ये चार्ज हो जाता है। अब सर एक आखिरी सवाल मेरा कि सब्सिडी वगैरह की यदि हम बात करें तो सब्सिडी वगैरह कैसी होने वाली है? इसमें सिस्टम ऐसा है कि अभी सब्सिडी इसमें कोई 1 रुपये की भी सब्सिडी नहीं है, जो भी हम हमारे हिसाब से जो डिस्काउंट देते हैं वही हम दे देते हैं। बाकी झटका मशीन का नाम पोर्टल पे चढ़ गया है जी, जो कृषि पोर्टल है जी, जी। किसान का जो पोर्टल जहाँ पे अपने को पावर ट्रिलर वगैरह अपन सरकार की योजना में मिलते हैं, वहाँ पे पोर्टल में नाम आ गया है झटका मशीन का। अच्छा, और जल्द से जल्द इस पे सब्सिडी भी चालू होगी जी। हम जितने भी हमारे किसान भाई है सबको संपर्क करेंगे जब भी सब्सिडी आएगी। तो सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपने हम किसान भाइयों को इतनी शानदार और बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों कैसी लगी आपको झटका मशीन की ये संपूर्ण जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जवान जय किसान।